The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Okay guys, back pain is one of the most common reasons people go to a doctor or miss work. Actually, peeth mein dard bahut hi zyada अति कॉमन है और इसके वजह से दुनिया भर में लोगों को डिसेबिलिटी हो जाती डिसेबिलिटी और सबसे कॉमनली होने वाला दर्द मतलब दुनिया में सबको मुझे आपको सबको कभी ना कभी एक बार तो होगा पीठ में दर्द। फॉर्चुनेटली इसके प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कारण हैं और अगर प्रिवेंशन फेल भी होता है तो सिंपल होम रेमेडी या प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स को फॉलो करते हुए, प्रॉपर पोस्चर को फॉलो करते हुए आप अपने आप को फंक्शनल रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन रेयरली आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेज। इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि कॉज क्या है। सबसे पहले लोअर बैक पेन में या बैक पेन, पूरे बैक में पेन होने में सिम्टम क्या होंगे। कभी कभार आपको मसल एक हो सकती है, शूटिंग या स्टैबिंग पेन हो सकता है, लग रहा कोई गोली मार रहा है, कोई खून चूरा घोप रहा है, या पेन पैरों में जा सकता है रेडिएट होके, जिसको हम शियाटिका भी बोल सकते हैं, या फिर झुकने से, सामान उठाने से, खड़े होने से, चलने से पेन बढ़ सकता है, या फिर कभी कभी पेन रिक्लाइन होने से, लेट जाने से आराम हो सकता है। तो ऐसा कुछ हो रहा है और आपके खुद से इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा तो डॉक्टर को दिखाओ। अगर कहीं कोई ब्लैडर प्रॉब्लम आने लगी, साथ में मोशन प्रॉब्लम आने लगी, फीवर आने लगा, अगर आप गिर गए थे फिर दर्द हुआ है तो डॉक्टर को जरूर दिखाओ। ये बहुत जरूरी ऑप्शंस हैं। कॉजेस समझना जरूरी है। लोअर बैक पेन, वन ऑफ द रीजन इज स्पाइनल डीजेनरेशन और सेकेंड रीजन इज इंजरी। इंजरी यंग एज में बहुत कॉमन है, मिडिल एज, ओल्ड एज स्पाइनल डीजेनरेशन। इंजरी में भाई साहब सडन कोई अगर बहुत सडनली आया और 6 वीक्स के नीचे है तो उसको हम एक्यूट पेन बोलते हैं, जो हैवी लिफ्टिंग या कुछ सामान उठाने या गिर जाने पे होता है। 6 हफ्ते से नीचे पेन रहना एक्यूट और 6 हफ्ते से ज़्यादा इज क्रोनिक। क्रोनिक 6 नहीं, 3 महीने से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा पेन हो गया तो उसको क्रोनिक बैक पेन बोलते हैं। पेन ज़्यादातर देखो पीठ में है क्या, पीठ में हड्डी है, मसल है, टेंडन है, लिगामेंट है, पीठ में और क्या है, कुछ नहीं, इतना ही चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वही प्रॉब्लम होगा, पीठ में दर्द हो रही है चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो या तो होगी मसल या लिगामेंट में स्ट्रेन, मसल या निगल लिगामेंट, ये क्यों होगा, हैवी लिफ्टिंग उठाने से, गलत पोस्चर में उठाने से, गलत पोस्चर में बेंड करने से, या पुअर हेल्थ कंडीशन से, कॉन्स्टेंट स्ट्रेन से पेनफुल मसल स्पाजम्स हो सकते हैं, मसल टियर हो सकती है, टेंडन रप्चर हो सकते हैं। देन देर आर हड्डी, हड्डी के बीच में डिस्क, डिस्क से क्या हो सकता है, डिस्क में भैया लिटरली प्रोलैप्स हो सकती है डिस्क। डिस्क कैन बी बल्जिंग डिस्क और इवन रप्चर डिस्क हो सकती है। डिस्क है आपके वर्टिब्रा, आपकी रीढ़ की हड्डियों के बीच में डिस्क होती है, कुशन के जैसे काम करती है, सॉफ्ट मटेरियल होता है जो बल्ज हो सकता है, रप्चर हो सकता है, प्रेस कर सकता है नसों पे, शियाटिका जैसा खतरनाक दर्द कर सकता है। लेकिन ये कई बार रप्चर जरूरी नहीं है, पेन करेगा, बिना पेन के भी रप्चर हो सकता है, लेकिन पेन होता है जब नस दबती है। एक्सरे में आपको हो हड्डी हड्डी में वो दिख जाएगा कि ये जो प्रॉपर डिस्क स्पेस है वो अनइवन हो गई है, कम हो गई है, दैट कैन गिव अस एन आइडिया कि यस, इस आदमी में डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिस्क प्रॉब्लम को कंफर्म करने के लिए आपको फिर MRI करना पड़ता है। MRI में दिखेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर नस दब रही है, कौन सी नस दब रही है, और आर ये कारण होता है तो उसका फिर इलाज अपने अलग अलग तरीके से होता है। फिर देयर इज बोन में होता है मतलब आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बुढ़ापे वाला आर्थराइटिस, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, ये बोन खराब कर सकती है। बच्चों में भी हो सकता है, कहीं कोई भी उम्र में आ सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जुविनाइल आर्थराइटिस, आर्थराइटिस इज आर्थराइटिस। बच्चों में होगा तो कई बार स्पाइनल स्टेनोसिस भी कर सकता है, नैरो कर सकता है स्पेस को, स्पाइनल कॉर्डन को दबा सकता है, नसों को दबा सकता है। जब भी दर्द होगा पीठ में, जब भी दर्द होगा, नसों के दर्द से होगा या मसल से दर्द होगा, या तो नसों में या मसल में, बहुत सिंपल। देन हड्डी है तो हड्डी आड़ी टेढ़ी बन सकती है, स्केलेटल
एबनॉर्मलिटीज, जैसे कि अगर मान लो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी सी है, वो कोई स्कोलियोसिस काइफोसिस है, मिडिल में से टेढ़ी है, इधर में से टेढ़ी है, दैट इज कॉल्ड एज स्केलेटल इररेगुलरिटीज। और बुढ़ापे में या आपने कैल्शियम बहुत ही कम है, आप में विटामिन डी बहुत ही कम है, तो हो सकता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस से भी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, वर्टेब्रल कॉलर, बोन्स पोरस ब्रिटल खोखले होके फुचुक से दब सकती हैं बहुत आसानी से। रिस्क फैक्टर आपकी उम्र, उम्र 30-40 से ज्यादा है चांसेस हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हो चांसेस हैं, वीक हो, अनयूज्ड मसल्स हैं जल्दी टूटेंगी, चाहे पेट की हो चाहे बैक की हो, एक्सेस वेट है वजन ज्यादा है आपको रिस्क है, बॉडी वेट पेट का बैलेंस बिगाड़ देता है, अगेन प्रॉब्लम करता है, कोई बीमारी है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, रिस्क है। इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, पोस्चर ही नहीं पता कि घुटने मोड़ के झुकते हैं नहीं पता, तो भी बहुत सारा पोस्चर प्रॉब्लम तो जनहित में जारी है, सबको भारी है, किसी को ना आता ये मैं आज बोल देता हूं। आप जितने देख रहे हो, आप में से 90% लोगों को नहीं आता है पोस्चर, सही से बैठना, सही से उठना, माफ कीजिएगा, यू थिंक यू नो बट यू डोंट नो। देख लो, ऑनलाइन देख लो, सही जगह पे सर्च करके देख लो, हमारा पोस्चर वाला वीडियो देख लो, बट व्हाटएवर। देन देयर आर साइकोलॉजिकल कंडीशंस, पीपल आर प्रोन टू, जो पीपल हु आर प्रोन टू डिप्रेशन एंजाइटी विल हैव अगेन मोर रिस्क ऑफ बैक पेन। स्मोकिंग अल्कोहल जो करते हैं उनको भी, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है बैक में, तो उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सो दैट इज द थिंग। सो नीडलेस टू से, हाउ कैन यू प्रिवेंट इट? बाय रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एरोबिक एक्सरसाइज, फिजिकल स्ट्रेन इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ योर बैक, ऑफ योर मसल्स, स्विमिंग, वॉकिंग, कुछ भी करो करो एक्सरसाइज, रेगुलर गुड पोस्चर, फॉलो गुड पोस्चर, सही तरीके से खड़े रहना सीखो, सही तरीके से बैठना सीखो। एनीवेज, बिल्ड मसल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो, इट्स इंपॉर्टेंट, मेंटेन अ हेल्दी वेट एंड डू नॉट स्मोक, भैया सिगरेट बीड़ी बंद करो, राइट, स्टैंड स्टैंड स्मार्ट, डोंट स्लाउच, राइट, सीधा खड़े रहो, न्यूट्रल पोजिशन में सिट स्मार्ट, लिफ्ट स्मार्ट, ध्यान लगा के खड़े रहो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस डिजीज, प्रिवेंशन। इफ यू कैनॉट, ऑब्वियसली गो एंड गेट योर डायग्नोसिस, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर क्या करेगा, चेक करेगा आपको दर्द कहाँ है, दबा के देखेगा टेंडरनेस है क्या, हिला के देखेगा, बैठा के देखेगा, खड़े करके देखेगा, चला के देखेगा कहाँ किस चीज में दर्द है, उसके बाद करेगा एक्सरे या एमआरआई या सीटी स्कैन, एक्सरे में दिखेगा हड्डी, ब्रोकन बोन्स, आर्थराइटिस, ऐसी चीजें एक्सरे में दिख सकती है, सीटी स्कैन में डिस्क हर्निएशन या बोन्स मसल्स टिश्यू टेंडन्स नर्व लिगामेंट ब्लड वेसल देखने के लिए सीटी स्कैन एंड एमआरआई कराना पड़ता है, ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है, कारण ढूंढने के लिए कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, आर्थराइटिस या फिर एएनए ऑटो इम्यून डिजीजेस, बोन स्कैन की जरूरत पड़ सकती है, बोन स्कैन से पता चलेगा कि बोन्स कितनी वीक है, नर्व स्टडी की जरूरत पड़ सकती है, इलेक्ट्रो मायोग्राफी ईएमजी नर्व स्टडी, इससे पता करता है कि नर्व में कितना सेंसेशन, नर्व्स रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं कर रही है, नर्व कंप्रेशन कंफर्म कर सकते हैं इन सब चीजों से, एंड अल्टीमेटली ट्रीटमेंट। मोस्ट ऑफ द एक्यूट बैक पेन गेट्स बेटर विद इन अ फ्यू डेज ऑफ होम ट्रीटमेंट, सही तरीके से अपने आप को घर में इलाज करने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन फॉर मेनी पेन डज नॉट गो अवे, और परसिस्टेंट पेन, एक्यूट सिवियर पेन के लिए आपको फिर कभी कभी पेन किलर लेने पड़ते हैं। पेन किलर ले सकते हो ओवर द काउंटर, पेन रिलीवर्स एनसेड्स भी, जो भी पेन किलर्स आते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स चल सकते हैं, ले सकते हैं, ब्रूफेन आइबुप्रोफेन, वो पेन किलर्स हो गए, देन समथिंग लाइक एमआर, एमआर लिखा फ्लेक्सोन एमआर, राइट, थायोकोलसिसाइड, दोज आर मसल रिलैक्सेंट्स छोटे में, टॉपिकल पेन किलर्स लगा सकते हैं, जो लगाने वाले लेते हैं ना, कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि बहुत हैवी नार्कोटिक्स लेने पड़ते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं, इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, इसीलिए भैया फिजिकल थेरेपी एजुकेशन से बढ़िया कुछ नहीं है, फिजियोथेरेपी कराओ, फिजिकल थेरेपी कराओ, करते रहो तो बचे रहोगे, फिर भी नहीं करोगे, फिर भी नहीं करोगे तो एक वक्त आएगा ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी,
कम लोगों को पड़ती है लेकिन पड़ती है. फ्यू पीपल नीड सर्जरी फॉर बैक पेन, बट इफ यू आर यू आर इन पेन with radiating pain to the leg or something like that, you will need surgery. Surgery is reserved for pain जिनको structural problem है, उनकी structure ठीक करने में जितनी दब रही है नस, उसकी दबाहट वाली चीज़ को हटाने में उतनी सी डिस्क निकाल दो, छोटा सा पेन हो जाता है. कभी दूरबीन से कर सकते हैं, कभी ओपन करके कर सकते हैं. टॉक टू योर सर्जन, ही विल टेल यू भाई किस चीज़ की ज़रूरत है. बाकी इसके अलावा आप मसाज, योगा, एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टर, ट्रांसक्यूटानियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, टेंस, फिजियोथेरेपी, ये सब करेंगे तो बेहतर. सब ट्राई कर सकते हो. सो दैट्स ऑल अबाउट बैक पेन. मेक श्योर टू फॉलो, आस्क क्वेश्चंस, एंड थैंक यू सो मच. गुड लक. शेयर द वीडियो.